What's up guys, welcome back to my channel जिसका नाम है Draw Something। मेरे चैनल में आप सीख सकते हो ड्राइंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें। अभी हम कर रहे हैं perspective, जिसमें मैंने 1 point आपको already बता चुका हूँ और अभी कर रहे हैं हम 2 point perspective। So अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो प्लीज़ ऊपर वाला आई बटन में क्लिक करें और 1 point perspective के वीडियो भी देखना ना भूलें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जिसको ड्राइंग फील्ड में जाना है फ्यूचर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लेंगे 2 point क्योंकि 2 point इंटीरियर है। तो लेकिन नॉर्मल कॉर्नर में ना लेके मैं एक कॉर्नर में लिया, जैसे देख सकते हैं आप, और मैंने किया ऑलमोस्ट नो सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट साइड राइट, ये थोड़ा डिफरेंट व्यू होने वाला है। तो वंस ले ली, उसके बाद क्या करना है हमें, मैं बताता हूँ। गाइडलाइन लेना है ऐसे, तो पहले कॉर्नर, इसमें हमें ऑलमोस्ट 3 parts दिखेंगे वॉल के, मतलब 3 walls दिखेंगे। जनरली हमें 2 walls दिखते हैं 2 point में। तो पहले लाइन, ओके, थोड़ा सा छोटा। अब क्या करना है हमें, लेफ्ट साइड जो पॉइंट, राइट साइड जो पॉइंट है वहां से ऐसे ड्रैग करना है लेफ्ट साइड की तरफ, ओके, और राइट साइड से लेफ्ट साइड से राइट साइड, ये तो पता है। फिर यहाँ पे क्या होगा, पूरा ऐसे कंप्लीट ना करके यहाँ पे आप कहीं एंड करें इसको, फिर इतना लाइन एक्स्ट्रा जो है उसको रब कर लेंगे हम। फिर यहां से हमें थर्ड जो वॉल है वो दिखेगा, यहां से ऐसे जो नो इस पॉइंट से ऐसे ड्रैग करना है, ओके। तो 1 2 3 3 walls हो गए, ऑफ कोर्स एक कम दिखेगा हमें डेफिनेटली। तो अब हम इसमें ऑब्जेक्ट पेस करते हैं। सो अब थोड़ा सा जूम आउट करना चाहो तो इस लाइन को हल्का सा ऐसे छोटा बना के कर सकते हो, जैसे थोड़ा सा हल्का सा इस लाइन को कम कर दी। फिर यहां से ऐसे सेम लाइन, राइट। अब क्या होगा, वही यहां से पॉइंट इधर ऊपर भी थोड़ा हल्का सा दिखेगा, बहुत माइनर, और राइट साइड से लेफ्ट साइड से राइट साइड, ठीक है। इधर ऐसा कर सकते हो, इधर मतलब उसका ही बड़ा साइज है, मैं छोटा वाला ले लेता हूँ। तो अब क्या होगा, अगेन जितना वॉल मतलब एरिया छोटा रहेगा हमारे पास फ्लोर उतना स्पेस रहेगा। तो अगेन आपको वॉल में दिखाना कुछ डेकोरेटिंग ज़्यादा आइटम, तो आप थोड़ा सा जूम इन कर लो, फ्लोर पे रूम में ज़्यादा सामान दिखाना हो तो वॉल को जूम आउट कर लो। सो वंस गाइडलाइन मिल गया, अभी हम करते हैं हमारा ऑब्जेक्ट प्लेसिंग। तो इसको करते हैं लाइट। अब यहाँ मान लीजिए एक सोफा बना रहा हूँ मैं, तो क्या करें ऐसे बॉटम से ही पहले इसका डेप्थ ले लें, प्लस और यहाँ से हाइट, ये क्यूबॉइड हो गया, यहाँ पे अंदर दिखेगा नहीं है। सेम अब यहाँ पे इसके फ्रंट में सपोज एक टेबल बनाते हैं, जैसे होता है सोफा के सामने, थोड़ा हाइट कम होता है उसको। तो अगेन पॉइंट से क्या करेंगे हम, ऐसे लाइंस सेंटर पॉइंट से, अब यहां से हाइट, ठीक है गाइडलाइन।
अब पीछे से कुछ विंडो दिखा देते हैं, अच्छा सा पैटर्न बना के। सो यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे कर्टन्स दिखा देंगे इसे, और यहाँ पे भी। अब इसके सेंटर में हम ऐसे डिवाइड करके विंडो दिखाते हैं प्रॉपर, पूरा ओपन विंडो पूरा कंप्लीटली। अगेन गाइडलाइंस अब हम फिर फाइनल करेंगे इसको। अब ये हो गया। अब राइट साइड में जैसे कुछ फ्रेम्स वगैरह, सीलिंग वगैरह, कुछ भी टेबल लैंप वगैरह कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे मैं एक लैंप दिखा देता हूँ। सो जैसे आई लेवल है हमारा, आई लेवल के नीचे और ऊपर कहीं भी आप ड्रॉ कर सकते हो। ऊपर होगा तो बस एक कर्व थोड़ा सा बस ऊपर जाएगा, बस आपको ध्यान रखना है। जैसे मेरा थोड़ा साइड पड़ा है और मेरा शेप भी आप देख सकते हो कैसे देना है आपको, कौन शेप देना है या नॉर्मल सिलेंडर का शेप देना है, हल्का सही। अब यहां से हाइट राइट। अब यहां से फोटो फ्रेम वगैरह कुछ ऐड कर लेते हैं राइट साइड। फ्रेम्स और यहाँ पे कुछ अगेन कबर्ड वगैरह बनाते हैं, तो हाइट लें कबर्ड का स्ट्रेट, थोड़ा सा हाइट हल्का सा कम। ठीक है, यहाँ से राइट साइड डेप्थ बस, और यहाँ पे अगेन कुछ हम रख सकते हैं ऊपर सामान वगैरह। यहाँ पे फोटो फ्रेम आ गया। अब फोटो फ्रेम के नीचे जैसे मान लीजिए आपको कुछ और नो डिटेलिंग ऐड करना हो, अगेन कुछ फ्लावर वैसे कुछ है इस टाइप के, या इसको ऊपर भी रख सकते हैं हम ऐसे, तो आप डिटेलिंग दे रहे हैं। इसका थिकनेस ले रहा हूं मैं, अब सेम यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कुछ डिटेलिंग देना हो सपोज हमें यहाँ पे भी, तो हम ऐसे दे सकते हैं बिल्कुल। मान लीजिए एक सेल्फ बना रहा हूँ एक छोटा सा, तो डेप्थ राइट साइड पॉइंट से नहीं मतलब विड्थ हो गया यहाँ पे, डेप्थ जो है राइट साइड पॉइंट से, और दोनों राइट है वैसे तो, एक सेंटर पॉइंट मान लीजिए और एक राइट साइड। तो यहाँ पे थिकनेस इसमें भी कुछ कुछ ऐसे सामान हम प्लेस कर लेंगे। ओके यहाँ पे भी मान लीजिए दो तीन ऐसे अरेंज किया हुआ फोटो फ्रेम्स डेकोरेटिंग करके, ये सब सेंटर पॉइंट्स हैं थिकनेस। ये हो गया। अब यहां पे अभी स्टार्ट करते हैं फाइनल हमारा, तो अगेन हम सामने से स्टार्ट करेंगे इसको, करते हैं लाइट। सो देखिए पहले इस टेबल को बना लीजिए क्योंकि सामने ही एकदम, तो मैं इसके कॉर्नर्स एजेस हल्का सा ब्लेंड कर लेता हूँ बहुत मिनिमल।
हल्का सा शेडिंग। क्योंकि मैं ट्रांसपेरेंट दिखा रहा हूँ तो इसको हल्का सा से बैक साइड जो फोर्थ लेके थ्री भी हमें बहुत कम दिखाया क्योंकि जस्ट उसके ऊपर आ रहा है, तो इसको ऐसे बना के हल्का सा से क्या करेंगे, ऐसे बॉटम वाली लाइन को ऐसे ड्रॉ कर लें, यू नो, फिर यहाँ पे हल्का हल्का से हैचिंग कर लें। मैं देखता हूँ बहुत लाइट लाइट लाइन्स, डायगोनल लाइन्स जो उसकी बॉटम है। बस इतना ज़्यादा नहीं, ट्रांसपेरेंट है इसलिए दिखाने के लिए, और नीचे हम ऐसे लाइन, और उसके ऊपर करना चाहो तो ऐसे ऐसे हल्का सा लाइन शेडिंग कर लो, या कुछ ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं इसके ऊपर हम प्लेस कर सकते हैं, जैसे होता है ना यहाँ पे बुक्स वगैरह होते हैं कुछ कुछ पढ़ने के लिए, तो हम प्लेस कर लेते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे। ईजी है, अगेन सेंटर पॉइंट से ऐसे ले लीजिए उसका डेप्थ, तो विड्थ हो गया, अब उसका लेंगे हाइट, तो थिकनेस जो है बहुत छोटा सा बुक है क्योंकि, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पे और कुछ और ऐसे सामान रखा हूँ, पेन पेंसिल कुछ रखा हो या फ्लावर रखा हो बस छोटा सा, तो क्या करना है इसे राउंड बना के ये फ्री हैंड कुछ भी ड्रॉ कर ले आप इसे। डन, अब आते हैं हम सोफा के ऊपर। सोफा ऑलरेडी हम ले लिए, प्लेस कर लिए, तो अब इसको क्या करना है, मैं ऐसे एज में ऐसे राउंडेड करके आर्म रेस्ट है उसको, हाइट तो हाइट रहेगा सेम, यहाँ से हाइट। अब यहाँ पे जो सिटिंग एरिया है वो डिफाइन करें सेंटर से, फिर लाइन लेक्स थोड़ा सा नीचे, अब यहाँ पे जो उसके ऊपर जो कुशनिंग एरिया है वो डिफाइन करने के लिए क्या करें, स्ट्रेट लाइन ले सकते हो पर एकदम काफी स्टिफ लगता है वो, तो गाइडलाइन ले लें और इसको ऐसे डिवाइड कर लें ऐसे ऐसे हल्का सा फ्री एंड राउंड राउंड कर लें। कितना पार्टीशन दिखाना आपको ऊपर है, 3 4 2, मैं 3 कर लेता हूँ। ठीक है, इसको भी हल्का सा से राउंड करके इसको भी, इनको भी गाइडलाइन ले ले पहले ऐसे सब गाइडलाइन, इसको भी हल्का हल्का जो बैक साइड है उसको भी ऐसे ऐसे राउंड कर लो, ठीक है। अब इसको हल्का हल्का, अच्छा बस
सो ये रहा सोफा बन गया। अगेन अभी आते हैं लाइट के ऊपर, लैम्प। तो ये ऑलरेडी हम पहले से ड्रॉ कर चुके हैं गाइडलाइन। अब बस यहाँ से स्ट्रेट लाइन जैसे लिए हैं थिकनेस।